नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि वह हमेशा ही कामयाब बना रहे, हमेशा ही आगे बढ़ता जाए। इसके लिए वे कर्म और कड़ी मेहनत भी करता है, पूजा पाठ साधना तंत्र मंत्र टोटके उपाय आदि भी करता है ताकि वह सदैव कामयाब बना रहे और सदैव ही आगे बढ़ता रहे। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में केवल कष्ट ही कष्ट है, पूरा संसार कष्टमय है, कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन जब किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है तो उस व्यक्ति का कष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें करने से भगवान शिव की असीम अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस कलयुग में यदि आपको कहीं से भी तर्पण मिल सकता है तो वह केवल भगवान शिव ही आपको दिला सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की पूजा आराधना करना अति अनिवार्य हो जाता है। हर प्रकार के कष्टों से दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए केवल भगवान शिव का ही एकमात्र आशीर्वाद बहुत है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के लिए किए जाने वाला एक ऐसा ही चमत्कारी और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो काफी लंबे समय से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, वह भी अब जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। बस जरूरत है कि पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जपने की, मन ही मन सदैव ही सोते जागते उठते बैठते भगवान शिव को याद करते रहने की, हर वक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करें। ईश्वर को याद करना वैसे भी पुण्य का काम है और लोगों से उनका नाम स्मरण करवाना और भी पुण्य का काम है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें व दूसरों को लिखने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, इस कलयुग संसार में भोलेनाथ को महागुरु कहा गया है और किसी भी महागुरु के बगैर आपकी कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है, अर्थात कोई भी पूजा पाठ फल नहीं दिखाता है। इसीलिए आपको भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। मंत्र साधना हो या तंत्र साधना हो, सभी में भगवान शिव की कृपा होना अति अनिवार्य है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर वह कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से कोई भी निर्धन से निर्धन व्यक्ति, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। हर व्यक्ति के कष्ट तुरंत ही दूर हो जाते हैं, वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय एक बार अवश्य लिख दें। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाते ही भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब भी आप इन चीजों को चढ़ाते हैं तो इन चीजों को चढ़ाकर जो भी मनोकामना बोली जाए वह तुरंत ही पूरी हो जाती है। फिर चाहे उस मनोकामना की पूर्ति में या कोई भी विशेष कार्य की पूर्ति में कोई भी बाधा रही हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो या किसी भी प्रकार की रुकावट हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। अधिकांश लोगों की मनोकामनाएं इसीलिए पूर्ण नहीं हो पाती है क्योंकि कोई ना कोई रुकावट या बाधा आ जाती है, शत्रु आड़े आ जाता है या फिर धन संबंधी समस्याएं बीच में आ जाती है। तो शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से आपके जीवन में आ रही हर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बाधा तुरंत ही दूर हो जाती है और सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, जब बात शिवलिंग पर कुछ चढ़ाने की हो तो सर्वप्रथम नाम आता है शिवलिंगी के बीज का। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंगी के बीज को चढ़ाने से रोगी निरोगी बन जाता है, सर्व सिद्धि को प्राप्त करता है, वह जीवन में सुख और शांति का अनुभव रहता है। शास्त्रों में एक शिवलिंगी का बीज 1000 बेल पत्रों को चढ़ाने के बराबर बताया गया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शिवलिंग पर शिवलिंगी का बीज चढ़ाता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की निर्धनता भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कष्टों ने बहुत अधिक घेर लिया है, कर्जों में आप धस चुके हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान है, तब तो आपको शिवलिंग पर शिवलिंगी का बीज अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आपको हमेशा ही प्राप्त हो और जल्दी प्राप्त हो। जब भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं की बात आए तो आंकड़े को कैसे भूला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आंकड़े का पौधा जिस पर सफेद रंग के फूल आते हैं, वे फूल भी भगवान शिव शंकर को अति प्रिय हैं। अगर आप इन फूलों को महाकाल यानी कि भोलेनाथ शिव शंकर को चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, महादेव शिव शंकर की महिमा सुन रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें और महादेव को सच्चे दिल से प्यार करने वाले व्यक्ति एक बार वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, साथ भी लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप बीच में ही फंसे हुए हैं, ना तो मनोकामना अधूरी है और ना ही मनोकामना पूर्ण हो रही है,
तो आप ऐसे में क्या करें? तो आप किसी भी दिन से शुरू करके लगातार 11 दिन तक आंकड़े के फूल शिवलिंग पर सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अवश्य चढ़ा के आए। इसी के साथ आपको एक सर्व शांति सुख शांति दिलाने वाले मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा साधारण सा मंत्र है, लेकिन जो भी कोई व्यक्ति इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की सीधी कृपा बरसने लगती है, संपूर्ण आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमारी वीडियो पर 2000 लाइक पूरे हो जाएंगे तब हम आपको विशेष मंत्र देंगे। ये मंत्र वही एक विशेष मंत्र है दोस्तों। ये मंत्र इतना कारगर है कि अगर आप कोई उपाय नहीं भी करते हैं, केवल इस मंत्र का जाप भी कर लेते हैं, तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी बाधा आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। ज्योतिष शास्त्र में तो इस मंत्र के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि जो भी कोई व्यक्ति इसका रोजाना एक माला जाप करते हुए 1,25,000 बार यानी 1,25,000 बार इसका जाप पूरा कर लेता है, चाहे वो कितने ही दिनों में क्यों ना हो, लेकिन लगातार बीच में छूटना नहीं चाहिए कोई भी दिन, ऐसा कर लेता है तो वह व्यक्ति राजा जैसी जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, कष्ट और मुश्किलें तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन भोलेनाथ शिव शंकर के भक्त जो होते हैं उनका कष्ट और मुश्किलें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं, बल्कि कष्ट और मुश्किलें खुद भगवान शिव शंकर के आराध्य यानी कि भगवान शिव शंकर के भक्तों से घबराते हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर के भक्त कभी भी हार नहीं मानते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं वे करके ही मानते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप इस मंत्र को अच्छी तरह याद कर लें और साथ ही भगवान शिव शंकर के जितने भी भक्तगण हैं, हर हर महादेव एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आजकल के समय में आपको प्रतिदिन ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सुबह उठते ही आपको ये चिंता सताती है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा, तो आप एक चीज सुनिश्चित कर लें, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को जपते हुए रात्रि को सो जाएं और सुबह उठकर सर्वप्रथम कार्य बासे मुंह यानी बिस्तर छोड़ने से पहले ही आप एक दो बार इस मंत्र का जाप अवश्य कर लिया करें। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। आप देखेंगे आपकी दिनचर्या के साथ साथ आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं सभी दम तोड़ देंगी, आपके सामने घुटने टेक देंगी। आपका जो दिन मुश्किलों से गुजर रहे थे वे अब साधारण रूप से गुजरने लगेंगे। आपको दिन प्रतिदिन विजय ही विजय मिलती रहेगी और जो भी आपकी धन कमाने की मनोकामना थी वह जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। हर प्रकार की सुख समृद्धि व शांति आपको प्राप्त होगी। निरोगी काया के साथ ही चल अचल संपत्ति के मालिक भी आप बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। जय बजरंगबली।